साझा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, जेडीयू बीजेपी के साथ आने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बीजेपी से जरूर होगा लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। बीजेपी से दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर चर्चा जरूर हुई लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया। उनकी तरफ से कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में ना कराए जाएं, बल्कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। और ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के तरफ से बनाया जा सकता है। लोकसभा के साथ साथ बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप बता रहे हैं। जिस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार में खेला हो गया है तो उसको लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से आपको बता रहे हैं जहां जेडीयू बीजेपी के साथ आने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, बीजेपी से दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं जैसा कि पहले किया गया था जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में थी। उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उस वक्त दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनाए गए थे, रेणु देवी। और उसके साथ ही यहां पर बताया जा रहा है कि इस बार जो है वही फॉर्मूला एक बार फिर से देखने को मिल सकता है जिसमें दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो बैठक हुई थी, अहम बैठक दिल्ली में अमित शाह के आवास पे जिसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे, उसमें यह भी चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बिहार में क्या एक साथ कराए जाएं। इसका लेकिन विरोध किया गया है बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया है कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है वो साथ नहीं कराए जाएं। इससे बढ़िया ये होगा कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए।